मैं हूं माँ जी, आपकी बहू माया। क्या चाहती हो? आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। दवाई लेने का वक्त हो गया है, दूध के साथ दवाई ले लीजिए। अंधेरा हो गया है, क्या समय हो गया बहू? शाम हो गई है माँ जी। बहू, बहू, इस तरह खिड़की में क्यों खड़ी हो? आपके बेटे का इंतजार कर रही हूं। इस तरह खिड़की में खड़ी मत रहो, अच्छा नहीं लगता। और बाल बांध दो, मेरी सास कहती थी खुले बाल रखने से सर पे डायन सवार हो जाती है। खुले बाल तो राक्षसी रखती है। बहू, तुम्हें आईने में कुछ दिखाई देता है? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। अंधेरा हो गया है, बत्ती जला देती हूँ। ठीक है, तुम बत्ती जला दो, मैं किचन में जाती हूँ। अभी तक कुछ पका ही नहीं है। अजीत अब थका हारा घर पे आएगा, खाना मांगेगा। बहू, आज खाना मैं बनाती हूँ। गैस तो खत्म हो चुकी है, अब मैं क्या करूंगी? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आप आराम कीजिए, सब बंदोबस्त मैं कर लूंगी। क्या बंदोबस्त करोगी? गैस तो खत्म हो चुकी है, घर में मिट्टी का तेल भी नहीं है, कैसे खाना पकाओगी? जादू से? इस समय तो गैस का सिलेंडर भी कहीं नहीं मिलेगा। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। हाँ, अजीत से कहती हूँ कि होटल से खाना ले आओ। यहाँ तो सब कुछ मुझे करना पड़ता है, किसी और को तो कोई चिंता ही नहीं। दोनों मिलकर कहते हैं आराम करो आराम करो। मैं आराम करूंगी तो एक घर घर नहीं रहेगा। चावल पकाना बाकी है माँ जी, बाकी सब खाना तैयार हो गया है। मगर मैंने तो अभी देखा कि तुम चूल्हे की जगह अपना हाथ चला रही थी। नहीं माँ जी, मेरे हाथ कहाँ जल रहे हैं, देखिए। नहीं नहीं, तुम मेरे पास मत आना, तुम वहीं खड़े रहना। मुझे मालूम है कि वाकई तुम इंसान नहीं हो, तुम तो चुड़ैल हो, चुड़ैल। नहीं नहीं, तुम मेरे पास मत आना, पास मत आना। ये आपको क्या हो गया है माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ। नहीं, तुम मेरी बहू नहीं हो, तुम डायन हो, डायन। यार तेरी किस्मत नहीं खराब है, मुझे तो लगता है तेरी तरक्की में कोई और ही बात है जो रुकावट है, वरना हर साल ये प्रमोशन तेरा रुक कैसे जाता है। मगर वो रुकावट है क्या? प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यार तू हेड ऑफिस में अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके क्यों नहीं भिजवा देता, ये बात तू हर साल भूल जाता है। मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ यार, मगर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना ही मैं भूल जाता हूँ। अरे भाई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं जब भी घर पे जाता हूँ, माँ तो माया के बारे में शिकायत कर करके मेरा दिमाग खा जाती है। वो माया तो कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप बैठी रहती है, कभी पलटकर जवाब तक नहीं देती, इसीलिए मुझे उसका साथ देना पड़ता है। और इसी सब चक्कर में मैं वो रिपोर्ट बनाना ही भूल जाता हूँ। और आजकल तो माँ माया के बारे में कुछ नई बात कह रही, कहती है वो साधारण औरत नहीं है, वो तो इंसान ही नहीं है, चुड़ैल है वो, चुड़ैल।
यार हर सास की नजर में बहुत चुड़ैली होती है, मेरी माँ की नजर में भी मेरी बीबी चुड़ैली है। मजाक मत कर यार, आगे भी बोल, मुझे क्या करना चाहिए? तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा मुझे? मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरी माँ की बात कर रहा हूँ। यार मुझे तो लगता है तेरी तरक्की में तेरी माँ ही रुकावट है, समझा? ओ गॉड, लाइट चली गई, लगता है मुझे भी चलना चाहिए। अरे लाइट आने तक तो रुक जाओ, अंधेरे में कहाँ जाओगे? चला जाऊंगा यार, चल चलता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तीर्थ यात्रा वाली बात मत भूलना, ओके? बाय, चल चलो। क्या बात है माँ, पूरे इलाके में बिजली नहीं है, बस अपने ही घर में? यही तो मैं कह रही हूँ, सोचो बेटे, कुछ सोचो, अब भी वक्त है, सोचो। सोचू? क्या सोचू माँ? अरे ये तो अच्छा है कि कम से कम अपने घर में तो बिजली है, आज रात को मैं अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो कंप्लीट कर सकता हूँ ना। वो सब कुछ जानती है, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सब कुछ जानती है माँ, तुम किसकी बात कर रही हो? बहू, बहू की। वो सब कुछ कर सकती है, कुछ पूछने से पहले ही जवाब दे देती है। बाजार में कोई चीज नहीं मिलती, उसे घर में मिल जाती है। शीशे में उसका साया दिखाई नहीं देता, फर्श पर उसके पैरों के निशान उल्टे आते हैं। अब तुम आए थे ना, तो दरवाजा अपने आप खुल गया था। मैं पूछती हूँ ये सब क्या है, सोचो। मैं तो कहती हूँ वो साधारण औरत नहीं है, अरे वो चुड़ैल है। माँ तुम यही कहना चाहती हो ना? हाँ। अब बस भी करो माँ, बहुत हो गया। माँ मैंने जो तुम्हें गोलियां दी थी वो तुमने ली या नहीं? ओफो, तू क्या समझता है मुझे ब्लड प्रेशर है, मैं पागल हूँ? अरे आज रात जो मैंने देखा है, अगर तू देख लेता तो तेरा भी हाल यही होता जो मेरा हुआ है। ओफो माँ, ऐसा तुमने क्या देख लिया? अजीत, वो अपना हाथ चलाकर उस पर खाना पका रही थी। क्या? हाँ, उसके हाथ से ऐसी आग आ रही थी जैसे गैस से आती है। माय गॉड, माया, मा... उसे क्यों बुलाता है? माया, माँ क्या कह रही है, तुमने खाना पकाते वक्त अपना हाथ जला लिया? तो समझता क्यों नहीं, इसने अपना हाथ जलाकर खाना पकाया था। एक ही तो बात है माँ। माया हाथ दिखाओ तुम्हारा, कहाँ से जला है? कहाँ जला है माँ, छाला भी नहीं पड़ा है। इस डायन ने तो तुझ पर जादू कर दिया है, इस जादू से तू नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता। मगर मैं अब इस डायन को एक पल भर भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। इस घर में ये रहेगी, नहीं तो मैं, तू अभी के अभी इसे निकाल दे, नहीं तो मैं तुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हरिद्वार चली जाऊंगी तीर्थ यात्रा पर। देखो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। आ गई बेटी? हाँ बाबा। कुछ परेशान सी लग रही हो। हाँ। क्यों? आप जानते हैं क्यों? बेटी मेरे समाधि लेने का वक्त हो चुका है,
मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मेरा अंतिम दर्शन तू कर सके। बाबा ऐसा मत कहो बाबा। बेटी शरीर नश्वर है, मेरे समाधि लेते ही इसका नाश हो जाएगा और नाश होते ही इससे जुड़े तमाम रिश्ते खत्म हो जाएंगे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं बाबा जिन पर मौत का कोई असर नहीं होता। तू चाहती क्या है? सहन शक्ति, मुझे सहन शक्ति चाहिए बाबा। ये क्या कह रही हो तुम? तुझमें तो सहन और दहन करने की शक्ति है, तुम नारी हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। तू बेटी भी है और जननी भी, तू बहन भी है और पत्नी भी, तेरे तो कई रूप हैं। तू तो सर्वशक्तिमान है, तुझसे बड़ी शक्ति इस जगत में दूसरी कोई नहीं है। मैं तो इसी शक्ति का पुजारी हूँ। तू सृष्टि की रचना करने वाली है, तेरे कोख से ही सृष्टि ने जन्म लिया है। अपने अस्तित्व को, अपनी शक्ति को पहचान, तू माया है। मैं तो तेरे सामने कुछ भी नहीं, एक मामूली जीव हूं, और तू प्रकृति। मुझे तो विभिन्न योनियों में बार बार जन्म लेना है और इस प्रकृति में विलीन होना है, यही इस जग का नियम है, दस्तूर है। जो जन्म लेता है वही मरता है, और जो मरता है वही जन्म लेता है। जीवन मृत्यु एक चक्र है, वो तो चलता ही रहेगा बेटी। पुत्र पिता के अर्थी को कांधा देता है, उसके चिता को आग लगाता है। मैं चाहता हूं मेरी समाधि लेने में तू मेरी मदद करे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसा ही करोगी, तुम सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। तेरी बहू माया नहीं, महामाया है। उसके पास हर चीज को तबाह करने की ताकत है, मगर कुछ ध्वंस करने की बजाय वो तेरा वंश आबाद कर रही है। उसकी कोख में तेरा पोता पल रहा है, और वो पोता और कोई नहीं, मैं हूँ। मेरी समाधि के बाद मेरा पुनर्जन्म हो रहा है मेरे घर में। मेरे आने से पहले इस घर से चली जा। तू अपने बेटे की जिंदगी में रुकावट है,
चली जा, दूर हो जा, दूर हो जा, नहीं तो मृत्यु तेरे संसार में तांडव नृत्य करेगी। दूर हो जा, चली जा अपने बेटे की जिंदगी से, इसी में उसकी भलाई है। चली जा, दूर हो जा उसकी जिंदगी से, दूर हो जा उसकी जिंदगी से। ये क्या है माँ, तुम कहीं जा रही हो? हरिद्वार, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। तीर्थ यात्रा पर? पर माँ, ये अचानक तीर्थ यात्रा पर तुम क्यों जा रही हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। माँ, तुम कल की बात से अभी तक नाराज हो? नहीं बेटे, मैं नाराज नहीं हूँ। तो माँ, मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? माँ, बेटे, इस संसार से मेरा मन उब गया है। सारी जिंदगी मैंने गृहस्थी में गुजार दी, अब बाकी की जिंदगी भगवान की सेवा में गुजारना चाहती हूँ। मुझे रोको मत बेटे, मुझे जाने दो। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब अगर जा ही रही हो तो हरिद्वार में हमारी कंपनी का एक डीलर रहता है, मैं उसे फोन कर दूंगा, वो तुम्हारे आश्रम में रहने का बंदोबस्त कर देगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। माँ। अच्छा बेटे। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटे। प्रणाम माँ जी। सुखी रहो और ये शॉल रख लो, रास्ते में काम आएगी। और अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। नहीं बहू, भूल तुमसे नहीं, मुझसे हुई है। मैं ही तुम्हें पहचान न सकी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हें सुखी रखे। अजीत के साथ मुझे खबर भिजवा देना कि तुम माँ कब बन रही हो। माँ, मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, तुम दादी बनने वाली हो। माँ, माया ने आज सुबह मुझे बताया।